नमस्ते, मैं शिवाली काउइज्म से। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनका नाम है श्री मोनू दलाल। वो अपने आर्किटेक्चर के फाइनल ईयर में हैं और वो पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक में फैकल्टी ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने अपना डिसर्टेशन कंप्लीट किया ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है काउडंग एज अ बिल्डिंग मटेरियल। तो आइए उनसे मिलते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। तो अपने बारे में थोड़ा हमें इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए क्या चीज ने आपको मोटिवेट किया एक इतने अच्छे डिसर्टेशन टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए जिसका टॉपिक है काउडंग एज अ बिल्डिंग मटेरियल। जी मैम, मेरा नाम मोनू दलाल है। मैं हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ और अभी रोहतक से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं फाइनल ईयर में हूँ अभी आर्किटेक्चर फील्ड से। तो बेसिकली हमें एकेडमिक पर्पज़ से हमारे 8th सेम में एक टॉपिक सेलेक्ट करना था, जो हमें डिजर्टेशन रिपोर्ट तैयार करनी थी। वो आर्किटेक्चर फील्ड से ही रिलेटेड होना था, ये कंपलसरी था। तो उसके लिए मैंने काउडंग पे रिसर्च किया थोड़ा सा। डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी जो मुझे आसपास मिले कि वो कुछ काम कर रहे हैं काउडंग के ऊपर, वहाँ से मुझे इस देखने को मिला कि मैं इस टॉपिक को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकता हूँ। प्लस हमें देखने या सुनने में भी आ रहा है कि हम काउ को एज ए मिल्क प्रोड्यूसर के लिए ही हम यूज़ कर रहे हैं, बट काउडंग, काउ यूरिन, उन हम चीज़ों की बात नहीं करते हैं। तो उस बिहाफ पे मैंने काउडंग को चूज़ किया कि हम काउडंग को पहले फ्यूल या फिर एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे, बट बिल्डिंग्स में हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस बिहाफ पे मैंने अपना टॉपिक काउडंग एज ए बिल्डिंग मटेरियल लिया। जी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने क्या रिसर्च मेथडोलॉजी यूज़ की इस पे और इन डेप्थ जाने के लिए, उसके बारे में हमें समझाइए। जी मैम, रिसर्च मेथडोलॉजी में बेसिकली पहले तो टॉपिक सिलेक्शन आता है। टॉपिक सिलेक्शन के बाद मुझे रिसर्च करनी थी कि मुझे कहाँ से क्या डाटा मिलेगा इसके बारे में सीखने के लिए या रिपोर्ट तैयार करने के लिए, और आर्किटेक्चरल यूजेस क्या हो सकते हैं इसके। तो वो सारा मैंने डाटा कलेक्शन किया। उसके बाद बेसिकली कंपेरिजन भी एक आ जाता है मेथडोलॉजी में कि आजकल के मॉडर्न मटेरियल्स के साथ ये कैसे टिक पाएगा। तो उस बिहाफ पे इसको तैयार करना और इसको किस प्रकार हम तैयार करके यूज़ कर सकते हैं बिल्डिंग्स में, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन कंपैरिजन के बाद मुझे एक रिव्यू देने को मिला था कि मैं इसको कैसे रिव्यू दे सकता हूँ, फ्यूचर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, जिसमें मैंने इंटीरियर यूज़ के लिए बेसिकली इसको बोला था कि क्योंकि एक्सटीरियर में हम हो सकता है ना टिकाऊ रहे ये, तो इंटीरियर में बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं लाइक ब्रीदिंग वॉल। तो ये मेरी एक मेथडोलॉजी जी, प्रोसेस तो रही थी। हमें ये ब्रीदिंग वॉल के बारे में समझाइए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और आर दे सेफ टू यूज इंटरनली या विद इन इंटीरियर्स ऑफ अ हाउस, इंटीरियर्स ऑफ एन ऑफिस में ब्रीदिंग वॉल्स क्या होते हैं? जी मैम बिल्कुल, ब्रीदिंग वॉल आजकल आर्किटेक्चर में एक कंसेप्ट बन गया बेसिकली डिजाइन्स का, कि हमें एक ब्रीदिंग वॉल या ब्रीदिंग इंटीरियर, हमें एक रेजिडेंस चाहिए या कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है। तो ब्रीदिंग वॉल में हम क्या करते हैं कि जो काउडंग होता है उसकी पोरस एक्टिविटीज होती हैं, वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो बाहर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में या इक्वल करने में, एक लेवल करने में हेल्प करते हैं। गर्म टेम्परेचर है उसको एक कूल डाउन कर देते हैं, बाहर का कूल टेम्परेचर है तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने में हमें हेल्प करते हैं। देन जो पोरस एक्टिविटीज़ हैं, हार्मफुल रेडिएशंस होगी या गैसेज होगी, उनको भी वो डेड करके नीचे हम दीवार पे देखेंगे कि वो नीचे गिर जाती हैं हार्मफुल गैसेज एक पाउडर बन के, देन हम उनको रिमूव कर सकते हैं इजीली। तो ये तो आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है और क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर्स भी सब जगह बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों का सोल्यूशन हमें ब्रीदिंग वॉल्स दे सकती हैं। यस मैम और ये बिल्कुल। आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इस पे रिसर्च करी है आपने? हाँ, मैंने पर्सनली इवन 2 महीने लगातार वहाँ जाके सीखा भी, ब्रिक्स को बनाना, वैदिक प्लास्टर को हम कैसे बनाएंगे और किस प्रकार हम उसको अप्लाई कर सकते हैं इंटीरियर में, या जैसे भी हमें बिल्डिंग या रेजिडेंस जो भी हमें बनाना है, पूरा मैंने एक्सपीरियंस करके वहाँ सीखा और फिर अपनी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की। तो आपने ब्रिक्स बनाने की बात की, आप हमें समझा सकते हैं कि अगर कोई ले पर्सन ब्रिक बनाना चाहे गोबर से,
तो उसको कैसे स्टार्ट करना है, उसको क्या क्या ज़रूरत होती है मटेरियल्स की, और फिर उसकी प्राइसिंग और सेलिंग कैसे वो कर सकता है इन जी ब्रिक्स मैम, की। ब्रिक्स बिल्कुल ही इजी प्रोसेस है काउडंग ब्रिक बनाने का। बेसिक तो आपके पास काउडंग होना चाहिए, जो आपके पास गायें हैं इसमें गायें से ज़्यादा जो डंग है वो बैल का बहुत अच्छा रहता है अगर हम काउडंग ब्रिक तैयार करते हैं तो, क्योंकि उसके अंदर जो बाकी आयरन की हम बात करें, फाइबर की बात करें, वो बैल के डंग में ज़्यादा प्रेजेंट होता है काऊ के कंपैरिजन में। तो सबसे पहला तो है कि काउडंग आपके पास होना चाहिए। देन आपके पास जिस भी आप रीजन में आप बनाना चाहते हैं उसकी आपको थोड़ी सी मिट्टी यूज करनी है, उसी रीजन की वो होनी चाहिए। गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, बंगाल है। तीसरा इसमें लाइम इम्पोर्टेंट होता है, चूना जो होता है हमारा उसको हम यूज़ करते हैं। देन पानी की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर ज़रूरत भी रहती है उसको थोड़ा सा तरल करने की तो हम काउ यूरिन ही उसमें यूज़ करते हैं। अगर इसकी मैं बात करूं परसेंटेज में तो 78 से 80% हमें काउडंग चाहिएगा, जो हमें घर पे गायें हैं तो वहाँ से मिल जाएगा या इजीली गौशाला में अवेलेबल होता है। ये वेट काउडंग की आप बात कर रहे हैं? यस मैम। वेट काउडंग, ओके जी। हाँ, देन 15 से 16% या फिर 20% तक भी हम इसमें लाइम ले लेते हैं। मिट्टी बिल्कुल 1 से 2% हम रखेंगे उस रीजन की, और फिर अगर यूज़ करना है, हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम काउ यूरिन को उसमें यूज़ करेंगे एक मिक्स बनाने के लिए। तो पूरी ब्रिंक और फिर सांचे से हम उसको तैयार कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो मिट्टी आपने बोली, ये हमें फिल्टर करके लेनी है, फाइन मिट्टी लेनी है, किस टाइप की मिट्टी होनी यस मैम, चाहिए? उसको हम पाउडर, जिस प्रकार हमें रेड ब्रिक्स बनाई जाती हैं, एक पाउडर करके अगर हम इसको यूज़ करें तो बेटर रहेगा। जी, तो ये ब्रिक कितने दिन में तैयार हो जाती है? जो ये मैम फुली सन ड्राइड ब्रिक होती है, पकाना नहीं पड़ता है हमें इसको, ये 14 से 15 डेज में आसानी से तैयार हो जाती है। अच्छा, और इसका क्या कीमत हो मिलती है ऑलमोस्ट, अगर कोई सेल करना चाहे लार्ज स्केल पे, गौशाला वाले सेलिंग प्राइस, बनाना? यस मैम, सेलिंग की प्राइस करूँ 3 से 4 रुपीज़ ये हमें पड़ती है एक नॉर्मल साइज़ की ब्रिक, जो 230 x 115 x 75 mm की होती है। सेल करना चाहे इजीली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसे डील कर पा रहे हैं, ये चीज़ बहुत फैक्टर बट करती है आपको कॉस्टिंग इज छोटे। ओनली अबाउट 3 to 4 rupees फॉर अ यस मैम स्टैंडर्ड साइज ब्रिक, है ना? बिल्कुल मैम, तो ये क्योंकि तो जी काउडंग हमारे पास इजीली अवेलेबल है तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती नहीं है। चूना हमें एक नीड है जो हमें उसमें यूज़ करना पड़ता है। जी 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 मैम, तो चूना ये जो आजकल मार्केट में मिलता है फॉर पुट्टी या पेंट के लिए, जो कुछ लोग यूज जी करते हैं, वो सेम चूना यूज करना होता है, और एनी स्पेशल काइंड ऑफ लाइम? इस पर मैम मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च अपने किया नहीं, तो जो नॉर्मल चूना मिलता है हमें मार्केट में उसी को जो शिवदर्शन मलिक जी हैं वो उसको यूज़ करते हैं और ब्रिक्स तैयार करते हैं। अच्छा, तो शिवदर्शन मलिक जी का वैदिक भवन रोहतक में और VPGRI बीकानेर में, इस पे भी आपने जाके सब कुछ देखा सीखा, उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताइए। जी मैम बिल्कुल, जो बीकानेर में VPGRI है वो एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री है उनकी वहाँ पर, जहाँ पे वो काउडंग ब्रिक्स बनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, ट्रेनिंग प्रॉपरली वो देते हैं 3 से 4 दिन की, जो पेड रहती है बेसिकली। और उसके बाद जो ऑफिस है वो रोहतक में है, वहाँ वो डील करते हैं लोगों के साथ, बहुत सारी आर्किटेक्चरल फर्म्स हैं वो भी उनसे सीखने के लिए आते हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं वो भी उनके पास आए हैं। उनका एक डिमांड रहता है कि हमें एक रूम चाहिए, हेल्दी रूम, जो वो काउडंग से ही पॉसिबल है, वो उनको बनाने में हेल्प करते हैं। और बीकानेर में जो सिखाते हैं वहाँ एक उनका मेन मोटिव है कि एक स्किल्ड लेबर तैयार करी जाए, जो आज कंक्रीट की स्किल्ड लेबर है उसी तरीके से काउडंग की अगर लेबर तैयार होगी तो उसको हम इजीली कोलेबरेट या फिर प्रमोट हम कर पाएंगे कि काउडंग कैन बी यूज एज ए बिल्डिंग मटेरियल। वंडरफुल। अच्छा, ये जो RCC का स्ट्रक्चर होता है जिससे आजकल की सारी कॉमन बिल्डिंग्स बनती हैं, जी उसमें मैम, और अगर काउडंग से कोई बनाना चाहे तो उसके डिफरेंसेस पे भी आपने स्टडी किया है? यस मैम, इसमें एक बात तो आ जाती है कि कंक्रीट जितना टिकाऊ है उतना काउडंग नहीं रह पाएगा, बट काउडंग को ब्रीथिंग वॉल के कंसेप्ट को हम लेकर के इंटीरियर में हम बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। एज ए हम कॉलम बीम का हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया
जो बहुत टिकाऊ रहता है कंक्रीट का, उसके अंदर हम पार्टीशन वॉल्स होती हैं, इंटीरियर जितना भी हमारा मटेरियल रहेगा, पैनलिंग हमें करनी है, सीलिंग हमें करनी है छत की, उन सब में हम इसको एज ए टाइल छोटे छोटे 6 बाय 6 इंच के या 1 बाय 1 फिट के वो यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली आज की बिल्डिंग में। बहुत अच्छा। आपके पर्सनली क्या प्लान्स है, क्योंकि एज अ आर्किटेक्ट आप अभी अगले साल रेडी हो जाएंगे, तो डू यू प्लान टू गो फॉर इको बिल्डिंग्स या आप भी आरसीसी को ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे आगे जाके? हाउ डू यू प्लान योर ओन फ्यूचर? यस मैम, आरसीसी के तो मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करूँगा, बट अभी आज की नीड है कि अर्थक्वेक्स वगैरह हैं और वो सारी चीज़ों को देख के एक बिल्डिंग हमें तैयार करनी होती है जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंक्रीट तो हमें लेना ही पड़ता है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। बट इंटीरियर की ही मैं बात करूँगा बार बार कि हम इसको एक कूल इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट अगर हमें बनाना है बिल्डिंग का, इवन कंक्रीट की बिल्डिंग बन जाती है, पेड़ों का कोई अता पता नहीं है, पेड़ होते हैं उस जोन में नहीं होते हैं, बट इसको अगर हम यूज़ करके करें तो बहुत अच्छा रहता है। जी, आपने बताया कि टेम्परेचर वाइज भी अच्छा रहता है, एम्बिएंट एटमॉस्फेयर भी रहता है, और जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हम लिटरली झाड़ू से उसको क्लियर कर सकते हैं हर यस रोज मैम, सुबह, बिल्कुल विच बिल्कुल। इज वेरी यूनिक एक्चुअली। और तो हाँ बताइए। अगर एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ, एक छोटा सा एक्सपीरियंस रहा जो वैदिक जी भवन है रोहतक में, जी इवन जो वॉल्स है पूरा कावडन से मेड है, प्लास्टर कावडन है, उसके ऊपर कावडन पेंट ही है, तो जी उसको अगर जैसे लोग आते हैं वो देखते हैं तो वो शिवदर्शन मलिक जी क्या करवाते हैं कि आप इसके ऊपर पानी फेंक दो, अच्छा गिलास से या बाल्टी से आप उसके ऊपर पानी डालोगे, वो पानी नीचे फर्श पे नहीं आएगा, वो वॉल उसको पूरा शोक लेगी जो कि उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो उस पानी को एब्जॉर्ब करेगी और उसमें से एक महक आती है जो आजकल इत्र या फिर परफ्यूम्स जो बनते हैं लाखों रुपए के, उसके लिए आपको वो फ्री में अवेलेबल हो जाती है अगर आप काउडन प्लास्टर करते हैं तो। बहुत वो अच्छा। जो महक बारिश के बाद आती है मिट्टी से, वो सेम महक सौंधी, आपको। जी इट्स कॉल्ड पेट्रिकोर आई थिंक इन इंग्लिश, और सौंधी से स्मेल तो हम सब जानते ही हैं उसको। जी जी मैम, बहुत अच्छा लगा मोनू जी आपसे बात करके, और आपने इतना डिफरेंट टॉपिक चूज किया है, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद थैंक यू मैम, आपसे बात थैंक यू मैम। करके।